सभी को जय मसीह की। मैं आपसे आज हन्ना के विषय में बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने सच में हन्ना के जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया और परमेश्वर की योजनाओं को हम हन्ना के जीवन में देखते हैं। और जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं तो उसमें वहाँ पे एक आयत है, यर्मिया की पुस्तक उसका 17:7 में लिखा है, ब्लेसड इज द मैन हु ट्रस्ट द लॉर्ड, ब्लेसड इज द मैन who trust the Lord and whose hope in the Lord. धन्य है वे पुरुष जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। तो सच में हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है और जो स्वयं परमेश्वर है, यदि वो हमारे जीवन में हमारे जीवन का आधार हो तो हम बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों से भी गुजर जाते हैं। और बहुत सी ऐसी समस्याएं अगर यदि हमारे जीवन में होती हैं और परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन का आधार है तो हमें उस समस्याओं से निकलने में परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो परमेश्वर यदि आधार नहीं होता है तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आधार बन जाती हैं। जैसे कि कई बार एक मनुष्य के जीवन में आधार उसका करियर होता है और कई बार मनुष्य के जीवन में धन उसका आधार होता है, परिवार उसका आधार होता है, पावर पोजीशंस और उसका जॉब, उसका वर्क प्लेस उसके जीवन में आधार बन जाता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन यर्मिया की पुस्तक उसका 17:7 में बताता है कि धन्य है वे मनुष्य जिसका जिसके जीवन में परमेश्वर जो है वो आधार है। और सच में हमारे जीवन में जो परमेश्वर है वो आधार होने चाहिए ताकि हमारे जीवन की हर एक चुनौती और हर एक संघर्ष में वो हमारी सहायता कर सकें और हम अपनी समस्याओं से बाहर आ सकें। परंतु धन वे है जिसने अपने जीवन में परमेश्वर को आधार माना है। और जिस प्रकार हम हन्ना के जीवन से देखते हैं कि हन्ना ने स्वयं अपने जीवन में परमेश्वर को आधार माना था और जीवन का आधार इससे निश्चित होता है कि आप उसे कितना जानते हैं। जीवन का आधार उससे निश्चित होता है क्योंकि यदि आप परमेश्वर को जानते हैं तो वो आपके जीवन में आधार को सुनिश्चित करते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति, एक मनुष्य, आप कल्पना कीजिए कि वो परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं जानते और वो उनको परमेश्वर कौन है उसके विषय में नहीं मालूम है, तो संभव है कि उनके जीवन का आधार धन हो, संभव है कि उनके जीवन का आधार परिवार हो या फिर उनका करियर हो, जॉब हो, पावर हो, पोजीशन हो। लेकिन यहाँ पे यदि एक मनुष्य जब परमेश्वर को जान जाता है, जब एक मनुष्य परमेश्वर को जान लेता है तो वहाँ पे उसके जीवन का जो आधार है वो स्वयं परमेश्वर हो जाते हैं। इसलिए संभव है कि एक मनुष्य परमेश्वर को जाने। यदि एक मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है तो उसके लिए जीवन को समझना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए जीवन की कई समस्याओं से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने परमेश्वर, अपने रचयिता को जान सकें और इसलिए परमेश्वर को जानना हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य है हमारे जीवन का और आधार है जिससे कि हम परमेश्वर को जानते हैं। क्योंकि हन्ना जो थी, हन्ना परमेश्वर को जानती थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हम नोटिस कर सकते हैं कि हन्ना के जीवन से हन्ना परमेश्वर को बखूबी जानती थी। वो अपने जीवित परमेश्वर के विषय में जानती थी और परमेश्वर को अपने जीवन का आधार चुनने के लिए अपने परमेश्वर को जानना आवश्यक है। यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते तो संभव है कि परमेश्वर आपके जीवन का आधार नहीं हो। इसलिए अपने परमेश्वर को जानना ज़रूरी है। और जिस प्रकार हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर को जानें, उससे भी अधिक परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर को जाने। यदि आप भजन संहिता उसका 53 और 2 आप उसको देखेंगे, दूसरी आयत, वहाँ लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की कि ताकि देखें कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। आप देखिए कितनी सुंदर बात है।
परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर ने स्वर्ग से अपनी दृष्टि पृथ्वी पे की कि देखें कि कोई बुद्धि से चलने वाला है, यानी क्योंकि जो बुद्धि से चलता है वो परमेश्वर को खोजता है और जो बुद्धि से बुद्धिमान है वो परमेश्वर को जानता है। यहाँ परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान मनुष्य वो है जो परमेश्वर को खोज रहा है। और सच में एक मनुष्य, यदि आप सोचें कि बुद्धिमान कौन हो सकता है हमारी नज़र में, हो सकता है एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य होने के नाते हम सोच सकते हैं कि एक बुद्धिमान मनुष्य एक वैज्ञानिक हो सकता है, कुड बी अ साइंटिस्ट, और कोई दार्शनिक हो सकता है, फिलोसोफर, कोई एक शायद ग्रेट टीचर हो सकते हैं, कोई एक आपको लगता हो कि मान कोई अध्यापक है वो हो सकते हैं, कोई जज हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान मनुष्य वो है जो परमेश्वर को खोज रहा है और जो परमेश्वर को पाना चाहता है सच्चे दिल से, जो परमेश्वर को जानना चाहता है, जो पाना चाहता है, जो चाहता है कि उसके जीवन का आधार स्वयं परमेश्वर ही हो। और जब हम बुद्धि के विषय में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हन्ना का जो जीवन है वो बुद्धि से भरा हुआ है, क्योंकि हन्ना एक ऐसी स्त्री है जो बुद्धिमान स्त्री है। परमेश्वर का वचन बुद्धि के विषय में बड़ी सुंदर बातें हमें बताता है। यदि आप नीति वचन पढ़ेंगे बाइबल से तो वहाँ पे बुद्धि के विषय में बहुत सारी वर्सेस हैं, और मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ बहुत सारी अपनी लेडीज़ के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि एक स्त्री के लिए परमेश्वर का वचन बहुत आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बड़ी सुंदर रीति से रचा है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की योजनाओं को उस बुद्धि के साथ सीखें और उसको अपने जीवन में हम अप्लाई कर सकें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हो सकें। तो आज मैं बुद्धि के विषय में थोड़ा सा आपको समझाऊंगी कि हन्ना जो थी वो एक बुद्धिमान स्त्री थी, और सच में हम उसको बुद्धिमान स्त्री इसलिए कहते हैं क्योंकि वो परमेश्वर को जानती थी, वो परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर की योजनाओं को विषय में जानती थी, क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका संबंध था और वो बहुतायत से परमेश्वर को प्रेम करती थी। और बुद्धि के विषय में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, अय्यूब की पुस्तक यदि आप पढ़ें उसका 12 अध्याय और 13 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। इसका अर्थ है कि बिना परमेश्वर के ना तो हमारे पास युक्ति है और ना ही हमारे पास समझ है, क्योंकि जो बुद्धि की परिभाषा है वो परमेश्वर ही से है। जब परमेश्वर को हम जानते हैं, जब परमेश्वर को हम अपने जीवन में स्थान देते हैं, तभी हम बुद्धि को समझ पाते हैं। और इसीलिए जो हन्ना स्त्री थी वो एक बुद्धिमान स्त्री थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया था। और इसी के लिए हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की योजनाएं थी वो उसके जीवन में पूरी हुई, और परमेश्वर ने उसको सिर्फ वही नहीं दिया जो उसने मांगा था, परमेश्वर ने उसे उससे भी बढ़ के दिया जो उसने नहीं मांगा था। और जब मैं इसी बात को समझ और बुद्धि के विषय को आपके साथ आगे बात करूँगी, मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर को प्राप्त जब हम कर लेते हैं तो उसके गुण भी आप में आ जाते हैं, और बुद्धि जो है वो परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि जब आपके पास परमेश्वर ही नहीं है, जब हम परमेश्वर ही को नहीं जानते, तो परमेश्वर के जो गुण हैं, परमेश्वर का जो स्वरूप है वो हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर के स्वरूप में आप रचे गए हैं, और ये बात तब हमारे जीवन में संभव होती है जब हम उसको खोजते हैं, जब हम उसको जानते हैं। और सच में जितना ही आप कोशिश करेंगे कि आप परमेश्वर को जानें, उससे ज़्यादा परमेश्वर कोशिश करता है कि आप परमेश्वर को जान सकें, क्योंकि उसने आपको रचा है और आप उसकी सृष्टि हैं, आप उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं, आप उसकी सृष्टि में बहुत प्रिय हैं, और वो सच में आपसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। वो चाहे आपसे, आपको लगता है कि वो आपकी ओर दृष्टि नहीं करता, लेकिन वो परमेश्वर आपके ऊपर अंतर्दृष्टि करता है, वो परमेश्वर आपसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। और हन्ना एक बुद्धिमान स्त्री
थी, जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको बताया कि क्योंकि वो अपने जीवित सृजनहार परमेश्वर को बखूबी पहचानती थी, वो जानती थी कि ये मेरे रचयिता हैं, ये मेरे परमेश्वर हैं, मैं इनसे हट के कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो परमेश्वर के को महत्वपूर्ण स्थान देती थी। उसको पता था कि यदि मुझे कहाँ जाना है, आप देखिए बहुत सारे आजकल इस वर्ल्ड में, सेकुलर वर्ल्ड में हमारे पास बहुत सारे हर एक फील्ड के लिए काउंसलर्स हैं, यूथ काउंसलर्स हैं, टीन एज काउंसलर्स हैं, और फैमिली काउंसलर्स हैं, करियर काउंसलर्स हैं, लेकिन उसको पता था कि उसको कहाँ जाना है। वो कहीं नहीं गई, वो अपने परमेश्वर जीवित यहोवा के पास गई, क्योंकि उसका परमेश्वर जीवित यहोवा उसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। तो ये बात हमें हन्ना के जीवन से समझनी है कि वो एक बुद्धिमान स्त्री थी, और बुद्धि जो है वो परमेश्वर यहोवा की ही ओर से हमें मिलती है। जिस प्रकार अय्यूब की पुस्तक उसका 12:13 के अनुसार हमने देखा कि परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं। यदि सपोज आप कोई भी एक फ्रूट खाते हैं, या आप कोई भी एक पौष्टिक चीज़ को आप ग्रहण करते हैं, खाते हैं, कोई फ्रूट आप खाते हैं, तो उस फ्रूट में जितने भी मल्टीविटामिन से जितने भी पोषक तत्व हैं वो आपके अंदर बॉडी में ब्लड में आते हैं। इन द सेम वे, ऐसा नहीं कि आपने उस फ्रूट को खाया और उस फ्रूट में से जितना आप चाहते हैं वो ही आपके बॉडी में काम करते हैं, और जितना आप नहीं चाहते हैं कि मुझे आयरन नहीं चाहिए, मेरे ब्लड में ऑलरेडी हीमोग्लोबिन मुझ में अच्छा है और मुझे उसकी आवश्यकता नहीं कि आयरन मुझे लेना चाहिए, लेकिन अगर यदि उस फल में आयरन है और साथ में उसमें पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, मल्टी विटामिन हैं, तो वो सब आप में आएंगे। इन द सेम वे यदि परमेश्वर आपके जीवन में है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि मुझे बुद्धि प्राप्त होगी, या मैं कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट से भर जाऊंगा, या मुझे परमेश्वर की समझ होगी, या मैं परमेश्वर का स्वभाव पाऊंगा। परमेश्वर से संबंधित जो भी परमेश्वर का स्वभाव है वो आपके जीवन में आएगा। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर को जो जानना है वो हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण जरूरत है, परमेश्वर को जानना। जिस प्रकार प्रीति वचन 14:1 में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। घर को बनाने का तात्पर्य सिर्फ एक घर नहीं, बिल्डिंग नहीं, कि एक स्त्री जो है वो अपने घर को बनाती है और वहाँ पे अच्छे से डेकोरेट करती है, अच्छे से सोफ़ा, टेबल, बेड कहाँ रखना है उसको डिज़ाइन करती है, उसको इंटीरियर डेकोरेट करती है, उसके सब चीज़ों को देखती है कैसे मैनेज करना है, सुबह से शाम काम करती है। लेकिन घर को बनाने का जो तात्पर्य है वो तीन बातें निश्चित करता है कि एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है जैसे भविष्य को बनाती है, एक बुद्धिमान स्त्री अपने परिवार को बनाती है, एक बुद्धिमान स्त्री संबंधों को बनाती है। तो ये तीन जो बातें हैं वो विशेष हैं जब हम एक परिवार को बनाते हैं, और ये तीन बातें हैं, भविष्य, परिवार और संबंध, ये एक बुद्धिमान स्त्री बनाती है। तो यह हन्ना के जीवन से हम देखते हैं कि जब उसने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना किया और परमेश्वर यहोवा से जब उसने पुत्र की कामना की, तो उसने अपने परिवार को बनाया, उसने अपने भविष्य को बनाया, और उसने संबंधों को भी बनाया कि आगे आने वाले समय में जो उसके परमेश्वर उसे पुत्र दे और उस पुत्र का संबंध परमेश्वर यहोवा से हो। तो वो बहुत बुद्धिमान स्त्री थी और उसने अपने सच में स्वयं उसने अपने घर को बुद्धिमानी से बनाया। और जब हम देख सकते हैं यहाँ पे हम कि बुद्धि हमें परमेश्वर के समीप लेके जाती है, बुद्धि जो है, विजडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धि जो है वो हमें परमेश्वर के समीप लेके जाती है। संसार में बहुत सारी बुद्धि है, मैं देखती हूँ अलग अलग तरीके का ज्ञान है संसार में अलग अलग तरीके का ज्ञान है, लेकिन एक ऐसा ज्ञान जो हमें परमेश्वर के निकट लेके जाता है, जो हमें परमेश्वर को समझने में सहायता करता है, दैट इज़ कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, वो परमेश्वर की ओर से है। और जो बाकी में जो बुद्धि है वो हमें परमेश्वर के निकट लेके जाती है, परमेश्वर के समीप लेके जाती है, और बुद्धि की बातें परमेश्वर यहोवा को भाती हैं। वचन कहता है
नीति वचन दो उसका 6 पद, नीति वचन उसका 2 अध्याय और 6 पद में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। कितनी सुंदर बात है ये कि जो बुद्धि है वो यहोवा परमेश्वर को प्राप्ति से ही आती है, क्योंकि जो समझ की और ज्ञान की बातें हैं वो यहोवा परमेश्वर ही के मुख से निकलती हैं, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। और मैं देखती हूँ कभी कभी जब स्टडी करती हूँ, एक एज अ ह्यूमन बॉडी परमेश्वर ने जिस तरह से हम मनुष्यों को रचा है और बनाया है, हमारी बॉडी में कितनी वेन्स हैं, इनको अगर हम जोड़ें, आपस में इनको कनेक्ट करें, तो हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी के 3 चक्कर जो है वो लगा सकती है। और इस तरीके से उससे भी ज़्यादा जो है वो परमेश्वर ने हमारे हमारे बॉडी के पार्ट्स को रचा है। किस तरह से परमेश्वर ने हर एक, परमेश्वर के जो बुद्धि है वो एक रहस्य है, उसको जानना हमारे हम मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक है, बिकॉज वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, ही इज़ अ क्रिएटर। और परमेश्वर ने हमें एक योजना के तहत बनाया है, बुद्धि के साथ बनाया है, और बुद्धि की जो बातें हैं वो यहोवा परमेश्वर ही के मुख से निकलती हैं। और जो ज्ञान है समझ के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है या फिर उसका प्रभाव लाया जाता है। ज्ञान और समझ दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि नीति वचन 2 अध्याय और 6 पद में लिखा है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती हैं। हम चाह के भी, एज अ ह्यूमन, हम चाह के भी हम अपने मुख से अच्छी बातें नहीं कर सकते, ज्ञान और समझ की नहीं कर सकते, यदि हमारे पाँव परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं है। यदि हम परमेश्वर में स्थिर नहीं हैं, हम हमारे जीवन में ठहराव नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि परमेश्वर को जाने समझें, उसके वचन को पढ़ें, ताकि ज्ञान तो बहुत है इस संसार में, यदि आप देखें तो ज्ञान बहुत तरीके का है, बहुत ज्ञान है, लेकिन समझ जो है वो हमें उस ज्ञान को इस्तेमाल करना सिखाती है। समझ ये बताती है कि हमें किस तरीके से अपने ज्ञान को इस्तेमाल करना है। अय्यूब की पुस्तक उसका 12 अध्याय 13 पद में दोबारा से पढ़ूंगी, वहाँ लिखा है, परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। परमेश्वर को पाना यानी परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन से प्रकट करना, जिसमें कि बुद्धि एक विशेष स्थान हमारे जीवन में रखती है। और जब हमारे जीवन में बुद्धि का कार्य होता है, तब हम परमेश्वर की योजनाओं और परमेश्वर की समझ दोनों को अपने जीवन में देखते हैं। जो हमने यहून, जब हम हन्ना के जीवन को पढ़ेंगे, तो हम पाते हैं कि उसने बड़ी ही बुद्धि के साथ जो है वो परमेश्वर से आशीष को मांगा, और सच में बड़ी बुद्धि के साथ वो चलती थी, क्योंकि परमेश्वर को वो अपने जीवन में प्रथम स्थान देती थी। बुद्धि यदि हमारे जीवन में है तो नम्रता हमारे जीवन में है। बुद्धिमान मनुष्य, यदि हम नीति वचन उसका 11 अध्याय और 2 पद पढ़ें, वहां लिखा है, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। और हन्ना जो थी एक नम्र स्त्री थी, वो परमेश्वर की नम्रता को लेके चलती थी। जिस प्रकार पहला शमूएल उसका 1 अध्याय 13 से 14 पद हम देखेंगे, वहाँ लिखा है, आखिरी पद को आप देखें, 14वें पद को, आप 13 पद भी पढ़ेंगे, उसके बाद 14वें पद में आखिरी पद में लिखा है, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। यदि आप 13 पद पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाऊंगी, जब आप 13 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब हन्ना परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करती है और पुत्र के लिए प्रार्थना करती है, अपनी बातों को परमेश्वर के आगे रखती है, तो वो मन ही मन प्रार्थना करती है। वहाँ लिखा है कि जान नहीं पड़ता कि उसके शब्द क्योंकि सुनाई नहीं पड़ते, इसलिए वो अपने मन ही में प्रार्थना करती है यहोवा परमेश्वर से। तो जो एली जो है, जो शीलो में याचक हैं,
वो जब उसकी उसको सुनते हैं तो वो सिर्फ देखते हैं कि उसके होंठ हिलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कोई शब्द नहीं सुनाई देता। तो उनको लगता है कि कहीं ये नशे में हैं, और इसलिए वो उसको बोलते हैं, एली हन्ना को बोलते हैं कि अपना नशा उतार। और आप देखेंगे कि किस प्रकार इस सिचुएशन को वहाँ पे हन्ना नम्रता के साथ हैंडल करती है, और किस प्रकार हन्ना नम्रता के साथ जो याजक हैं, एली जो याजक हैं, उनको उत्तर देती हैं। पहला श्रेमुल उसका पहला अध्याय 15 और 16 पद आप ध्यान से देखें, वहाँ पे लिखा है, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। और आखिरी पद 16 में लिखा है, अपनी दासी को ओझी स्त्री ना जान। यहाँ दो विशेष बातें हैं जो देख सकते हैं, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। उसको पता था कि वो किन्हें उत्तर दे रही है, एंड शी गेव रिस्पेक्ट टू हिम। उसने याजक को एक आदर के नजर से देखा और कहा कि नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। उसने अपनी कंडीशंस को एक्सप्लेन किया, बताया। एंड आखिरी पद जो हम देखेंगे, वहाँ लिखा है, अपनी दासी को ओझी स्त्री ना जान। उसने बड़ी नम्रता से बताया कि ही कुछ से कि मुसले, मैं अपनी दासी को ओझी ना जान। तो यहाँ पे हम हन्ना की नम्रता का उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार नम्रता जो है वो उसके जीवन में है। और क्योंकि वो बुद्धिमान स्त्री है, वो परमेश्वर का भय रखती है, वो परमेश्वर को जानती है, इसलिए परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, वो बुद्धि का इस्तेमाल करती है। और दूसरा, जबकि वो बुद्धिमान है तो नम्रता उसका प्रमुख गुण है, नम्रता उसका गहना है, इसलिए हन्ना जो है वो एक नम्र स्त्री है। और आगे हम देखेंगे कि वह ना केवल परमेश्वर ही के साथ परंतु परमेश्वर के लोगों के साथ भी उसका स्वभाव जो है, उसका वर्ताव नम्र है। क्योंकि यदि वो परमेश्वर से प्रेम रखती है तो परमेश्वर के लोगों से भी प्रेम रखती है। इसलिए वहाँ पे है कि वो किस प्रकार नम्रता के साथ अपनी बात को याजक के सामने एक्सप्लेन करती है। याकूब के पत्री उसका 3:13 देखेंगे, वहाँ लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जब हमारे जो सीनियर्स हैं या हमारे जो मेंटर्स हैं या हमारे पास्टर्स लीडर्स हैं, हमें कई बार करेक्ट करते हैं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा होता है यूजुअली बिकॉज वी आर एज अ ह्यूमन बीइंग कि हम उनको सही तरीके से रिप्लाई नहीं करते, या फिर हम कुछ ज़्यादा ऊंचा बोल जाते हैं। और हमारे जो परमेश्वर ने नम्रता का व्यवहार हमें दिया है वो हमारे जीवन से प्रकट नहीं हो पाता। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है याकूब की पत्री उसका 3:13 में, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। यदि हम बुद्धि को अपने जीवन में स्थान दें तो हम देखते हैं कि नम्रता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है, और नम्रता हमारे जीवन में भलाइयों को लेकर आता है, क्योंकि एक नम्र व्यक्ति ही परमेश्वर की आशीषों को अनुभव कर पाता है। यदि नम्रता हमारे जीवन में नहीं है तो हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। जिस प्रकार आप देखते हैं कि जब पौधा आप किसी गमले में, अगर ड्राई मिट्टी है तो सॉइल जो है वो बहुत ड्राई मिट्टी है, और उसमें आप बीज डाल देते हैं, वो कभी फलवंत नहीं होगा, उसको पानी चाहिए, उसको नमी चाहिए। इसलिए जब आप गीली मिट्टी में बीज को बोएंगे तो वो बड़ा होगा, वो फलवंत होगा। उसी के अनुसार हमारा जो जीवन है वो नम्रता से भरा होना चाहिए, तभी परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये सांसारिक नहीं है, ये ईश्वरीय प्रकाशन है जो स्वयं परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के विषय में जानने के लिए दिया है। ये बड़ी ही उत्तम बात है। ये कुछ इसी प्रकार है जैसा मैं आपको पहले बताया था कि
जिस प्रकार हम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर को जाने, उससे अधिक परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर को जाने। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन को आपको दिया है ताकि आप परमेश्वर के विषय में ईश्वरीय प्रकाशन को प्राप्त कर सकें, उस परमेश्वर के विषय में आप जान सकें जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपको वचन दिया है कि आप उस ईश्वरीय प्रकाशन को प्राप्त कर सकें, क्योंकि गॉडली विजडम कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि ईश्वरीय जो प्रकाशन है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर को पाने का जो एक तरीका है, वो परमेश्वर के वचन से है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही आप परमेश्वर के नज़दीकी में बने रह सकते हैं, आप परमेश्वर को जान सकते हैं, आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, आप परमेश्वर का गुण बुद्धि, जिसके विषय में मैं बता रही हूँ, हन्ना के जीवन में बुद्धि एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। और बुद्धि को आपके जीवन में हम देख सकते हैं, हम अपने जीवन में नम्रता को अनुभव कर सकते हैं। ये जब मैं स्टडी कर रही थी तो परमेश्वर ने एक मुझे यही प्रकाशन दिया कि हन्ना जो थी वो परमेश्वर के राज्य के विषय में जानती थी, उसको बखूबी पता था कि परमेश्वर के शी हैड किंगडम माइंडसेट, उसको परमेश्वर के राज्य के विषय में बहुत रुचि थी। और वो चाहती थी कि जो आशीष मुझे परमेश्वर की ओर से मिलेगी पुत्र की, मैं उसको परमेश्वर की कार्य में लगाऊंगी, परमेश्वर के राज्य में लगाऊंगी। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी मेरे इस बात से सहमत होंगे कि जहाँ पे राजा है वही राज्य है, जहाँ पे किंग है वही किंगडम है। और यदि परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है तो परमेश्वर का राज्य भी हमारे जीवन में हम नहीं देख सकते। इवन परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम यदि कोई कोशिश भी करेंगे तो वो फलदायी नहीं होगा, और वो उतना फलवंत नहीं होगा जितना हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को इसीलिए जानना आवश्यक है। तो हन्ना स्त्री जो थी वो परमेश्वर यहोवा को जानती थी, इसलिए वो परमेश्वर के राज्य के विषय में एक दृष्टिकोण रखती थी। जहाँ परमेश्वर है वहीं परमेश्वर का राज्य है। और जब हम परमेश्वर के राज्य के विषय में दृष्टिकोण रखते हैं, एक तो होता है कि हम ठीक है परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर में चलते हैं। और एक दूसरा पहलू है कि हम परमेश्वर के राज्य के विषय में दृष्टिकोण कर रखते हैं, किंगडम माइंडसेट उसको बोलते हैं, कि परमेश्वर के राज्य के विषय में जब हम दृष्टिकोण रखते हैं, हमें परमेश्वर के राज्य की चिंता होती है, या हम परमेश्वर के राज्य में भागीदारी हैं, परमेश्वर ने हमें बड़ी जिम्मेदारी से बुलाया है कि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, तो महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की युक्ति और योजनाओं को समझ सकें। इसलिए परमेश्वर की युक्ति और परमेश्वर की योजनाओं को समझना हमारे जीवन में आवश्यक है। कल्पना करिए कि एक राजा है और उस राजा के राज्य में बहुत सारे उसकी प्रजा है, उसके सैनिक हैं, उसके सिपाही हैं, और राजा को राज्य अपना बढ़ाना है। तो राजा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों पर, यदि राजा अपनी बनाई हुई युक्तियों को अपने प्रजा के साथ या जो सैनिक उसके साथ कार्य कर रहे हैं उनके साथ वो शेयर नहीं करे, या फिर उनके साथ कोई कम्युनिकेशन ना हो, तो संभव है कि राजा की जो योजनाएं हैं वो असफल हो जाएंगी और राजा का राज्य बढ़ नहीं पाएगा। इसी प्रकार परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि परमेश्वर की योजनाओं को हम अपने जीवन में जाने। और हन्ना जो थी वो परमेश्वर की युक्तियों को समझती थी, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर के पास जो योजना है उसको वो समझती थी। और यही इसीलिए संभव था कि हन्ना ने ये निर्णय लिया कि जब परमेश्वर उसको पुत्र दे तो वो उस पुत्र को परमेश्वर के लिए सौंप दे। आप देखिए कि जिस प्रकार लिखा है वचन में, आप देखेंगे नीति वचन उसका 24 अध्याय 6 पद में, उसका पहला ए पाठ पढ़ूंगी। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। जब हमें युद्ध से यह तात्पर्य कोई हम मैदान में तलवार चलाने से नहीं है, यहाँ युद्ध से तात्पर्य है कि जब हम अपनी जीवन में समस्या
संबंधित परेशानियों को, रुकावटों को अपने जीवन में महसूस करते हैं, तो उससे उबरने के लिए हमें प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो उससे उबरने के लिए जब हम प्लानिंग करते हैं या हम प्लानिंग्स को डिस्कस करते हैं, चाहे अपने लाइफ पार्टनर के साथ, चाहे अपने परिवार के लोगों के साथ, तो आवश्यक है कि जो युक्तियाँ हैं, जो प्लानिंग है, वो बनाई जाएँ, बहुत आवश्यक है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू युद्ध करे तो युक्ति के साथ करना। तो ये युक्ति जो है, ये परमेश्वर की युक्ति है, परमेश्वर की योजना है, और ये युक्ति, ये परमेश्वर की योजना परमेश्वर के वचन में हमें मिलती है। हर एक विषय में, चाहे वो जीवन का कोई भी हिस्सा हो, परमेश्वर का वचन हमारे सामने है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में किस हिस्से में कौन सा निर्णय लेना चाहिए, और ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बताता है, जिसके अनुसार हम परमेश्वर के राज्य के लिए अग्रसर होते हैं। यदि हम परमेश्वर के राज्य में अग्रसर होना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि परमेश्वर की युक्तियों को हम अच्छे से समझ सकें। और इसी के अनुसार मैं हन्ना के जीवन में लेके जाना चाहूँगी, पहला सैमुअल, उसका पहला अध्याय 11 पद और उसका बी पार्ट हम पढ़ेंगे। और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी। आप देख सकते हैं कि हन्ना ने जब ये निर्णय लिया कि वो अपने पुत्र को जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर सके, तो वहाँ पे वो जानती थी कि परमेश्वर के पास हन्ना से ज़्यादा ब्लेसेड जो प्लानिंग है वो परमेश्वर यहोवा के पास है। इसीलिए उसको भाया कि मैं परमेश्वर की दी हुई आशीष को अपने पास रखूँगी, उससे कहीं बेहतर है कि मैं परमेश्वर की दी हुई आशीष को परमेश्वर के साथ जोड़ दूँ। क्योंकि यहाँ पे मुश्किल तो था, एक एज अ मदर उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो परमेश्वर से प्रीति रखती थी, वो परमेश्वर को जानती थी। सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी, वो परमेश्वर को अपने पुत्र को इसीलिए सौंप पाई क्योंकि वो परमेश्वर को जानती थी, वो परमेश्वर की युक्ति को जानती थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वो नम्रता का, वो बुद्धि का स्वभाव दिया था। आप देखिए कि यदि हमारे हमें बहुत कुछ जानकारी हो, हमें परमेश्वर के विषय में बहुत कुछ पता हो, लेकिन उस परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना इसकी समझ नहीं हो, तो सब व्यर्थ है। इसलिए उसको समझ थी कि उसको निर्णय क्या लेना है, क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर को जाना हुआ था। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कि परमेश्वर को जानने और परमेश्वर की युक्ति को हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है से संबंधित है। जब हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, अपने कई लोगों ने ट्रैवल किया होगा, जब भी आप फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे तो जो पायलट होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो चेकलिस्ट को ध्यान से देखें। जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है तब वो चेकलिस्ट को देखते हैं, और जब फ्लाइट लैंड होती है उससे पहले वो चेकलिस्ट को चेक करते हैं। उस चेकलिस्ट में कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो पायलट के लिए होते हैं, जैसे बेल्ट लगाना, कुछ ऑफ करना, कुछ ऑन करना, कुछ राइट करना, कुछ लेफ्ट करना। तो ऑल द टाइम उनका जो वहाँ पे दो पायलट्स होते हैं, को पायलट और एक मेन पायलट, तो को पायलट मेन पायलट एक दूसरे की हेल्प करते हैं और चेक लिस्ट को बार बार चेक करते हैं कि कहीं वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाए। इसलिए जब भी आप कभी देखेंगे फ्लाइट में आप ट्रैवल करते हैं, तो बार बार आपको उस जो उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपको बताए जाते हैं, आपको कैसे बेल्ट लगाना है, आपको कब वॉशरूम यूज़ करना है, कब नहीं जाना है, आपको कब बैठना है, आप कब पानी पी सकते, एवरीथिंग वो आपको सब कुछ बताते हैं। ये क्यों? क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोग पहली बार ट्रैवल कर रहे हों, दे डोंट नो, इसलिए वो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं और बार बार आप उन इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम इसी के अनुसार जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है वो हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस के समान है। वो
हम परमेश्वर के जब राज्य के विषय में दृष्टिकोण करते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य के विषय में सोचते हैं, कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि हम अपनी चेकलिस्ट, जो परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, उसको हम बार बार देखते रहें, बार बार उसको पढ़ते रहें, बार बार हम उसमें दृष्टि करते रहें। क्योंकि हन्ना का जो संबंध था वो यहोवा परमेश्वर से था, तो हमारा संबंध यहोवा परमेश्वर से और बेहतर करने के लिए परमेश्वर ने हमें अपने वचन को दिया है। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहूँगी कि जितना आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर में बढ़ें। और जब हम देखेंगे कि एक पायलट जो है वो जब चेक लिस्ट को बार बार चेक करता है, तो ये कई बार होता है कि पायलट्स बहुत एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, उनको 15 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। और मैंने अपने लाइफ में देखा है कि कई बार जो पायलट्स होते हैं वो काफ़ी ओल्ड भी होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कितना पुराना एक्सपीरियंस इनका रहा होगा। तो जब भी वो चाहे कितने भी पुराने हों, कितने भी एक्सपीरियंस होल्डर हों, लेकिन वो बार बार उनको चेकलिस्ट चेक करनी पड़ती है, बार बार उनको कनेक्शन से कनेक्ट रहना पड़ता है कि कहीं वो कोई गलत स्टेप ना ले लें। इसीलिए कोई मैटर नहीं करता कि हम सेवकाई में कितने पुराने हैं, या हम परमेश्वर में कितने पुराने हैं, या हमारा जन्म पर मसीह परिवार में हुआ है। ये निर्भर करता है कि हम क्या बार बार अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से नापते हैं, क्या हम बार बार परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारते हैं, क्या हम बार बार हमारे जीवन की जो चेकलिस्ट है, जो परमेश्वर का वचन है, उसको क्या हम पढ़ते हैं। इसलिए बार बार हमें आवश्यक है कि हम परमेश्वर में बढ़ते रहें और परमेश्वर के वचन को निरंतर बढ़ते रहें। जिस प्रकार एक सूरजमुखी है, सूरजमुखी का जो फूल होता है, आप देखेंगे कि वो उसको सूरजमुखी क्यों कहते हैं, हम उसको सनफ्लावर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ उसका फेस रहता है, और जहाँ जहाँ सूरज डूबता है, अगर लेफ्ट टू राइट जाएगा सूरज, तो उसका सूरजमुखी का फूल का जो फ्लावर का जो फेस है वो सूरज के साथ साथ वहीं टर्न करेगा जहाँ सूरज का फेस जाएगा। इसी प्रकार हम इससे समझ सकते हैं, और जैसे ही सूरज ढल जाता है, सूरज सूर्यास्त तो होता है, वैसे ही सूरजमुखी का जो फूल है वो मुरझाने लगता है, वो मुरझा जाता है, और जैसे उदय होता है तो वो फिर आप इस तरह से ये क्रिया को देख सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जब जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं, उसको उसमें बढ़ते हैं, तब तक हमारे जीवन में सूरजमुखी के फूल के समान हमारे जीवन चमक उठता है और आशीषों से भर जाता है। इसलिए सूरजमुखी के फूल की यही विशेषता है कि वो सूर्य के साथ साथ चलता और मुरझा जाता है। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम परमेश्वर से प्रीति रखते हैं। द मोर यू नो गॉड द मोर यू लव गॉड। जब हम किसी को जानते ही नहीं हैं तो हम उसे प्रीति भी नहीं रख सकते। इसलिए परमेश्वर को जानना आवश्यक है। हन्ना जो थी वो परमेश्वर से प्रीति रखती थी, वो परमेश्वर से प्रेम करती थी, क्योंकि वो परमेश्वर को जानती थी। वो आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर यहोवा भी आपसे प्रेम करता है, क्योंकि आप उसकी रचना है और वह बेहतरी से आपको युद्ध के पार लगाने में सक्षम है। वो सक्षम है कि आपको युद्ध से पार लगा सके। युद्ध का मेरा तात्पर्य, मैं बात दोहराना चाहूँगी, इससे है कि हमारे जीवन की चुनौतियाँ, हमारे जीवन के जो संघर्ष हैं, जो परेशानियाँ हैं, जिनसे हम निकलना चाहते हैं, उसमें परमेश्वर स्वयं हमारी सहायता करते हैं, तब जब हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध होता है। यदि हम बाइबल में और भी अन्य उदाहरण हैं जो हम देखेंगे कि जब परमेश्वर ने बहुत से ऐसे कपल्स हैं, जैसे अब्राहम और सारा, इसहाक और रिबिका, राहेल और जेकब, जो जिस प्रकार हन्ना और एल्काना को परमेश्वर ने पुत्र की आशीष दी, इसी प्रकार परमेश्वर ने इनके भी जीवन में
कार्य किया। और बहुत आयत से पर हम देखते हैं कि ये कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं बाइबल में जिनके पास संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने इनके जीवन को संतान की आशीष से भर दिया, क्योंकि इनके जीवन में परमेश्वर का कार्य था। और जब आप परमेश्वर की योजनाओं को समझेंगे तभी आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी। ये बात सत्य है, जब हम परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझेंगे तो परमेश्वर को महिमा भी नहीं दे सकेंगे। जिस प्रकार मैंने आपको समझाया कि एक राजा का राज्य तब बढ़ता है जब एक राजा के युक्तियों में उसके उसके जो सैनिक हैं, उसके जो सिपाही हैं, वो शामिल होते हैं। यदि राजा मन ही मन युक्ति करे और अपने सिपाहियों को बताए नहीं तो वो हो नहीं सकता कि उसका राज्य जीता जाए और उसका राज्य बढ़े। इसी के अनुसार जो परमेश्वर ने युक्ति आपके लिए रखी है, ज़रूरी है कि आप उसको साझा करें, आप परमेश्वर के निकट आएं, परमेश्वर की युक्तियों को पहचानें। तो जिस प्रकार यदि सैनिक राजा के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो वो सैनिक राजा के राज्य को नहीं बढ़ा पाएंगे, इसी प्रकार परमेश्वर की युक्ति को जानने और समझने का कारण है कि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। और सच में जब हम हन्ना जो थी वो परमेश्वर की योजनाओं को समझती थी, परमेश्वर की युक्तियों को जानती थी, पहला सैमुअल उसका 2:21 में हम देखेंगे, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। यहाँ पे हम समझते हैं कि जब परमेश्वर ने हन्ना के लिए, हन्ना के जीवन के लिए जो योजना रखी थी वो परमेश्वर तक सीमित थी। शायद हन्ना को नहीं मालूम था कि एक आशीष को मैं परमेश्वर से मांग रही हूँ, एक पुत्र की आशीष से, और जब मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मुझे 3 पुत्र और परमेश्वर की ओर से मिलेंगे और 2 बेटियां मिलेंगी। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को वो दिया जो उसका बेस्ट था। परमेश्वर ने को हमें अपना बेस्ट देना है, उत्तम देना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना उत्तम, अपना बेस्ट आपको दिया है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हम देखते हैं कि हमारे जीवन से, जिस प्रकार हम हन्ना के जीवन में देखते हैं कि हन्ना के जीवन में एक बड़ा सेक्रीफाइस था, उसने परमेश्वर से एक आशीष मांगी और उस आशीष को परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का प्लान अगर हमें नहीं पता हो, अगर परमेश्वर, अगर यदि आपको प्लान नहीं पता हो तो आप सेक्रीफाइस भी नहीं कर सकते। तो हमें जब परमेश्वर की योजनाओं के विषय में पता होता है, जब हम योजनाओं को परमेश्वर की जानते हैं, समझते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए हर एक उस चीज़ को त्याग देते हैं जो हमारे हमारे जीवन से ज़्यादा परमेश्वर को महिमा देने वाली होती है। तो आवश्यक है कि परमेश्वर को जानें, और परमेश्वर को जानने के साथ ज़रूरी है, आवश्यक है कि परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की समझ को हमें अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देना है, जिस प्रकार हन्ना ने किया। और उसके द्वारा हमारा जो जीवन है वो नम्रता से बनता है, और नम्रता जो है वो एक बुद्धिमान मनुष्य का गहना है। और जब हमारे जीवन में नम्रता आती है, बुद्धि होती है, समझ होती है, तब हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में देख सकते हैं। और परमेश्वर की योजनाओं को जब हम जानते हैं तो हमारे जीवन से सेक्रीफाइस होता है, क्योंकि हम बिना प्लानिंग्स को जाने, बिना चीज़ों को जाने हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, करते हैं। आप सपोज़ एक उदाहरण, हमारे बच्चे, हमें पता है कि एग्ज़ाम टाइम आता है और उनको पढ़ना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 महीने बाद उनके एग्ज़ाम्स हैं या 1 हफ्ते बाद उनका एग्ज़ाम है। तो निश्चित है कि कुछ अच्छी चीज़ आप घर में पार्टी करना चाहते हो, या फिर आपका कहीं प्लान शहर के बाहर जाने का हो, लेकिन आप उसको नहीं करेंगे, आप उसको सेकेंड टाइम, दूसरे समय के लिए आप उसको छोड़ देंगे। आप सोचेंगे कि शायद मैं बाद में चला जाऊं या मैं एग्ज़ाम्स के बाद चला जाऊं। तो आप वो जो बलिदान है अपने समय का, या फिर आपके जो भी आपके पास आपको लगता है कि ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उसका जो भी बलिदान है वो आप तभी करेंगे जब आपको भविष्य के विषय में योजनाओं का पता होगा। जब आपको परमेश्वर के प्लान के विषय में पता होगा तभी हम परमेश्वर के लिए कोई बात को, या हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से को हम परमेश्वर के लिए बलिदान कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर के लिए जब हन्ना ने बलिदान किया,
अपने पुत्र को। तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर के लिए उसने अपने पुत्र को बलिदान से सेंस है कि परमेश्वर के लिए उसने अपने पुत्र को दे दिया। तो एक वो एक माँ का एक मदर का सेक्रीफाइस था। फर्स्ट सैमुअल उसका पहला अध्याय 25 पद में लिखा है, बालक को एली के पास पहुँचा दिया। और आप देखेंगे कि वहाँ पे लिखा है बालक सैमुअल को, वचन में लिखा है बालक सैमुअल। और मैं विश्वास करती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा, आप सोचिए कि जब उसकी माँ उसका दूध छुड़ाती है तो वो कितने साल का होता है? शायद मैक्सिमम 3 साल, 3.5 साल, नॉट मोर देन दिस। तो इतने छोटे बच्चे को, वहाँ लिखा है बालक सैमुअल को, उस इतने छोटे बच्चे को माँ हन्ना उसको अपने पुत्र को परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के लिए अर्पण करती है, छोड़ के आती है। सच में ये एक माता पिता के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप वाकई में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब आप वाकई में परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में कार्य करती हैं, तभी ये संभव है। अन्यथा सच में जब हम परमेश्वर को नहीं जानते, हमारे जीवन से ऐसे बड़े कार्य नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर को जानना समझना बहुत आवश्यक है। बिकॉज सम वे गॉड हैज ए प्लान फॉर यू, दैट इज थ्रू जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के पास आपके लिए महत्वपूर्ण योजना है, और वो योजना पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। जब आप देखेंगे बाइबल में जिस प्रकार और भी अलग अलग कपल्स हैं, कैरेक्टर हैं, जिनके विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए उन्होंने अपने पुत्र को, जिस प्रकार अब्राहम और सैरा का भी एक उदाहरण है, अब्राहम आइज़क को परमेश्वर यहोवा के लिए लेके जाते हैं। और ये जो वर्ड सेक्रीफाइस है, इट कम्स फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। ये वर्ड सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह को समझने के बाद ही जान सकते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह के सेक्रीफाइस को हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझते, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, तो वर्ड सेक्रीफाइस वी कैन नॉट एक्सपीरियंस। हम सेक्रीफाइस शब्द को की महत्वपूर्णता को हम नहीं समझ सकते। इसलिए सेक्रीफाइस बलिदान जो महत्वपूर्ण शब्द है, उसको समझने के लिए प्रभु यीशु को समझना आवश्यक है। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना की पत्री उसका 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वह नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। जी हाँ, परमेश्वर के पास आपके लिए अनंत काल की योजना है। इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको, आपके लिए बलिदान दिया, हमारे लिए बलिदान दिया, ताकि जो योजनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए रख रखी हैं, उसको हम पूरा होते हुए अपने जीवन में देखने पाएं। और ये योजनाएं हम अपने जीवन में तभी देख पाएंगे जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध होगा। इसलिए अपने संबंध को परमेश्वर के साथ मजबूत करें बहुत आवश्यक है। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं समाप्त करना चाहूँगी। हम सबके घरों में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, हम सबके घरों में टीवी होंगे, फ्रिज होंगे और अन्य बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। जब आप प्लग को कनेक्शन में उसमें लगाते हैं, सॉकेट में लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक है इलेक्ट्रिक अप्लाइंस और दूसरा है प्लग। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। प्लग को जब आप अप्लाइंस के प्लग को जब आप इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर फ्लो होती है, और उसके द्वारा जो आपका इक्विपमेंट है, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, आप उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो आपके घर में कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो। तो जो पावर सप्लाई है वो इम्पॉर्टेंट है, पावर सप्लाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो अगर पावर सप्लाई नहीं, अगर प्लग जो है वो उसमें सॉकेट में कनेक्ट नहीं है, तो पावर फ्लो नहीं है। और अगर यदि आपका प्लग सॉकेट में कनेक्ट है,
प्लग होल्डर में कनेक्ट है तो पावर फ्लो होती है। इसी के अनुसार हमारा जीवन है। यदि हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होती है, और यदि हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट हैं तो वहाँ भी पावर फ्लो होती है। जब आपका प्लग सॉकेट में कनेक्ट नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम अप्लायंस के साथ नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम उस प्लग के साथ नहीं है, देयर इज अ कनेक्शन प्रॉब्लम। इसीलिए हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है, या जो आशीषें, या जो परमेश्वर की योजनाओं की हम बात कर रहे हैं, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के नम्रता भरे चरित्र की हम बात अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उसके लिए कनेक्टिविटी होना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर के साथ हम अपने संबंध को रिवाइव करें, परमेश्वर के साथ हम अपने संबंध को आगे बढ़ाएं, बढ़ाते जाएं और ग्रो होते जाएं। क्योंकि ये इस छोटे से जीवन में मैं तो छोटा इसलिए कहती हूँ क्योंकि हो सकता है एक हमारी एज आगे कितनी हो, वी डोंट नो, लेकिन हो सकता है मोर देन 10 ईयर्स, और 5 साल, 20 साल, 30 साल, हमें नहीं पता। लेकिन हमारी छोटी उम्र इस पृथ्वी पे इसीलिए है क्योंकि हम नहीं जानते कल हम हो या नहीं हो। इसलिए जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं तभी तक हमारे सामने जीवन है, जब हम इस पृथ्वी पे नहीं है हमारे सामने पृथ्वी का जीवन नहीं है। और जब तक आप इस पृथ्वी पे हैं तब तक आवश्यक है कि हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ बना रहे, हमें जो पावर है वो हमारे जीवन में फ्लो होती रहे। इसलिए इस उदाहरण, छोटे से उदाहरण के जरिए हम इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। इसलिए अपने कनेक्शन को परमेश्वर के साथ मजबूत करें, और आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन में बढ़े, क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन आपको इसीलिए दिया है ताकि आप परमेश्वर के विषय में और जान पाए। और जब आप परमेश्वर के विषय में जानेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें फ्लो होंगी, जिस प्रकार हन्ना के जीवन में हुई। और सच में हन्ना का जीवन जो था वो बहुत से लोगों के लिए आशीषमय था, क्योंकि आज हम उसके जीवन से सीख सकते हैं कि उसके जीवन में परमेश्वर का कार्य था, क्योंकि वो परमेश्वर को जानती थी।